और चलिए वक्त हो गया 100 खबरें फटाफट की ओर रुख करने का। रुख करेंगे सबसे पहले चुनावी खबरों की ओर। मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सत्ता पर एक बार फिर से विराजमान हुई। बता दें आपको कि मनोहर लाल ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मनोहर लाल के शपथ के बाद जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बता दें आपको कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मनोहर लाल को सीएम और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम पद के गोपनीयता की शपथ दिलाई। अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और साथी सुखबीर सिंह बादल भी मनोहर लाल के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला तिहाड़ जेल से आ गए। दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री पद से बता दें आपको कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। और बता दें आपको कि अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं और तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के बीजेपी को गठबंधन ऐलान के कुछ ही घंटों बाद उनके पिता को तिहाड़ जेल से 2 हफ्ते की फरलो मंजूर हो गई है, जिसके बाद वो रविवार सुबह जेल से बाहर आ गए। शपथ समारोह के दौरान राजभवन में मनोहर लाल के साथ जेपी नड्डा और साथी प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। राजभवन में शपथ समारोह के दौरान अनुजा रतनलाल कटारिया, दिग्विजय चौटाला, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरियाणा में शपथ समारोह के दौरान मौजूद रहे। वहीं प्रदेश प्रभारी अनिल जैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली आएंगे। इस दौरान वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बता दें आपको कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा होगी। हरियाणा में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कल तक कांग्रेस कह रही थी कि ये लोगों के जनादेश के खिलाफ है और हम उनके खिलाफ भी जीत कर आए। दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मजबूर थी, मजबूर नहीं। आपको बता दें कि दरअसल वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस संख्या नहीं जुटा सकी और इसलिए वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। शपथ लेने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश को प्रगति की ओर साथ लेकर चलेंगे और साथ ही वहीं उन्होंने हरियाणा के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस जो भी कहे इसका पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि ये गठबंधन की सरकार 5 साल तक चलेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ये जो गठबंधन की सरकार बनी है वो स्वार्थ का सरकार बनी है। और साथ ही वहीं उन्होंने कहा कि जेजेपी ने बीजेपी का साथ देकर जनता के साथ धोखा किया है। 5 साल सरकार चलाने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दरअसल कहा कि मैं चाहता हूं कि ये सरकार स्टेबल हो और 5 साल तक चले। वहीं उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दिवाली की दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दरअसल कांग्रेस संगठन में बदलाव पहले हुआ होता तो फिर हरियाणा के चुनावी नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा कि चुनाव से 15 दिन पहले संगठन का बदलाव हुआ है। नीलोखेड़ी से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले धर्मपाल गोंदर का कहना है कि दरअसल उन्होंने बीजेपी को समर्थन बिना शर्त दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी से कोई भी डील नहीं हुई।
धनपाल ने कहा कि वो बीजेपी से पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं और उसके चलते ही उन्होंने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया है। साथ ही धनपाल गोंदर ने कहा कि हल्के का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। जनता टीवी से बात करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की जल्द बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में नेता विपक्ष चुनेंगे। हरियाणा में सरकार नहीं बनने पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने भी सरकार बनाने के कई प्रयास किए थे और वहीं उन्होंने कहा कि हम सरकार के पक्ष में बैठेंगे। दीपावली के मौके पर करनाल के निजी क्रेच के बच्चों ने अपनी दिवाली झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों के साथ मनाई, जहां पर सभी बच्चों को चॉकलेट्स, मिठाई, पेंसिल और कॉपी बांटकर एक दूसरे को खुशियां बांटने का संदेश दिया। कैथल के NH-65 पर पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की है। युवक की पहचान आधार कार्ड से यूपी के मुजफ्फरपुर निवासी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दिवाली के मौके पर खुशी और प्यार के साथ पर्व मनाने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया और सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं दी। मोदी ने गुरु नानक के जीवन पर रोशनी डाली और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि रोशनी के इस त्योहार पर सकारात्मकता को अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अयोध्या मामले पर 2010 में हाईकोर्ट की ओर से आए फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा समाज हमेशा से देश की एकता और सद्भावना के लिए सतर्क रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को हर बार की तरह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि समाज के हर वर्ग और हर तबके के लोग शामिल होंगे। मोदी ने कहा कि रन फॉर यूनिटी इस बात का प्रतीक है कि ये देश एक है और एक दिशा में चल रहा है और एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। पीएम ने कहा कि हम सब जानते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा भागीरथ और साथ ही ऐतिहासिक काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु नानक ने निस्वार्थ भाव से समाज और देश की सेवा की और उनके इस सेवा भाव से कई सारे संत भी प्रभावित हुए। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में दिवाली मनाई जा रही है, जिसमें कि विदेशी नागरिक भी दिवाली में शामिल होते हैं। पंजाब के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष कमल शर्मा का फिरोजपुर जिले में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बता दें आपको कि मौजूदा समय में कमल शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। कमल शर्मा को दिल में तकलीफ के बाद फिरोजपुर के स्थानीय अस्पताल में लाया गया था, जिसके बाद रविवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। कमल शर्मा के देहांत से बीजेपी में शोक की लहर है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक का अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनके देहांत पर शोक जताया है। देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली को लेकर दर्शन प्रशासन ने कुछ नियम भी बनाए हैं। बता दें आपको कि तमिलनाडु में आतिशबाजी के लिए खास समय निर्धारित किया है। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित किया था, जिसके तहत सुबह और शाम एक एक घंटे पटाखे जलाने की इजाजत दी गई। मुंबई में शिवसेना मुख्यालय में पार्टी के नए विधायकों की बैठक हुई। बता दें आपको कि इस बैठक में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 50-50 का फॉर्मूला एक बार फिर से उछला। बैठक में शिवसेना ने सीएम पद को लेकर लिखित आश्वासन मांगा है। आपको बता दें शिवसेना के टिकट पर सिल्लौर से जीतने वाले मुस्लिम विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा है कि वे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।
मुस्लिम विधायक अब्दुल सत्तार ने दावा किया है कि बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन के दौरान तय किया था कि राज्य में पहले 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और इसके बाद अगले 2.5 साल बीजेपी का सीएम होगा। सरनाईक ने कहा है कि सभी शिवसैनिक शिवसेना से ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और साथ ही चुनाव से पहले 50-50 फॉर्मूले पर बात हुई थी, अब इस बारे में उद्धव ठाकरे निर्णय करेंगे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दरअसल बोरवेल में गिरे 2 साल के मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुक्रवार शाम से जारी है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ समेत 15 टीमें जुटी हुई हैं। 2 साल का ये मासूम बीते शुक्रवार को शाम करीब 5:30 बजे बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद रात भर तैरते हुए 70 फुट की गहराई में जाकर फंस गया। मासूम को बचाने के प्रयास अब भी जारी हैं, लेकिन अब तक बचाव दल को कामयाबी नहीं मिल पाई है। बता दें आपको कि अब रेस्क्यू टीम बोरिंग मशीन से बोरवेल के सामने गड्ढा खोदकर मासूम को बचाने की कोशिश में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद कमल हसन ने दरअसल बोरवेल में फंसे मासूम को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बोरवेल को खुला छोड़ना गंभीर अपराध है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने गृह जनपद अमीरपुर में सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दिवाली मना रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बाजारों का भी निरीक्षण किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। अनुराग ठाकुर ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी कभी भी अपने परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाई, वो वीर सावरकर पर बयानबाजी ना करे। पॉन्टसाई में मामूली विवाद को लेकर एक युवक ने अपने ही भाई भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुल्लू में जिला मुख्यालय के पास भूतनाथ में 10 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया है, लेकिन पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद अभी तक मरम्मत का काम नहीं किया गया है और पुल को बंद कर दिया गया है। चंबा के डी आपको बता दें कि डीसीएम गुरुकुल पब्लिक स्कूल में वार्षिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक अशोक कुमारी मौजूद रही और इस दौरान समारोह में बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सुंदरनगर में दिव्यांगजनों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कि सभी बता दें आपको कि विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में दिव्यांगों के 27 सूत्रीय मांग पत्र पर सभी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। सूरजपुर के मुमताज पैलेस में दरअसल इंदौर बीजेपी के नए मंडलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मनोनीत सदस्यों ने सर्वसहमति से बलवान सिंह को अध्यक्ष पद के लिए चुना। राजगढ़ के नेरी जगाला में दरअसल एक अज्ञात शख्स का शव जंगल से बरामद हुआ है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद पुलिस ने इसे प्राकृतिक मौत करार दी। नशे की रोकथाम के लिए नूरपुर यूथ अगेंस्ट ड्रग्स नाम की संस्था ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कि नूरपुर यूथ अगेंस्ट ड्रग्स के अध्यक्ष रवि मेहरा ने लोगों से नशा रोकने के लिए पुलिस के साथ मुहिम में जुड़ने की अपील की। सोलन के कोटला नाला में देर रात स्कूटी और साथ ही कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कि स्कूटी सवार शौकत अली रूप से बुरी तरह से घायल हो गया। बता दें आपको कि जिसे लोगों ने पीजीआई रेफर किया, वहीं अब पुलिस कार सवार की तलाश में जुटी है। ज्वाली के जसूर में राजा का तालाब के पास एनएच पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मंडी के अबला में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 11 साल के बच्चे के साथ 2 युवकों ने आपत्तिजनक व्यवहार किया। वहीं इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आम इंसान तो दूर मुक्तसर साहिब में पुलिस मुलाजिम तक सुरक्षा से वंचित है। पुलिस चौकी भाईका केरा के पुलिस मुलाजिमों से असले के बल पर बदमाशों ने कार छीन ली और साथ ही अपनी चोरी की हुई कार छोड़कर फरार हो गए। दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर के आपको बता दें कि दोबारा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रविदास समाज के लोगों में खुशी की लहर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि सरकार से मांग की है कि मंदिर को जल्द से जल्द बनाया जाए। पंजाब में दाका विधानसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी मनप्रीत सिंह अयाली ने जीत हासिल की है, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी रहे कैप्टन संदीप सिंह संधू का कहना यह है कि वो हार के बावजूद हलके में रहकर लोगों की सेवा करेंगे। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने टारगेट बनाया है। बताया जा रहा है कि सीरिया में बगदादी को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी जानकारी दी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि अभी कुछ बहुत कुछ बड़ा हुआ है। ट्रंप का यह ट्वीट बगदादी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इस संबंध में ट्रंप जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि 15 साल देश के लिए क्रिकेट खेलने वाले धोनी को पता है कि उन्हें कब क्रिकेट को अलविदा कहना है। धोनी पर शास्त्री का यह बयान सिलेक्टर्स के बिल्कुल जुदा है। इससे पहले बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर एमएस के प्रसाद ने कहा था कि अब हम धोनी से आगे बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में बोर्ड शाकिब अल हसन को कारण नोटिस जारी करेगा। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन हाल ही में एक एम्बेसडर के रूप में ग्रामीण फोन कंपनी से जुड़े हैं और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ है। बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा है कि अगर शाकिब ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 दिवाली के मौके पर रिलीज हुई है और इस फिल्म में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है। हाउसफुल 4 पहले दिन की कमाई के मामले में अक्षय कुमार की 4 बड़ी फिल्मों से पीछे रह गई। बता दें आपको कि फिल्म लगभग 80 करोड़ के बजट पर तैयार की गई है। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 19 करोड़ की कमाई की थी। वहीं मिशन मंगल ने पहले दिन 29.16 करोड़ का कलेक्शन किया था। हाउसफुल 4 देखकर आए कई दर्शकों ने सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म को काफी खराब रिव्यूज दिए हैं। वहीं इस फिल्म को काफी लोगों ने पसंद भी किया है।